नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे किस प्रकार से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरह से भरना है लाइव इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और आपको बता दें, इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप हैं जिसमें कि आपसे गलती हो सकता है फॉर्म भरने में, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरे तरीके से देखना है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म इस तरह से लिखा रहेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग डेट जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद कितना चार्ज कट रहा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म कैसे बने, वीडियो लिंक यहाँ पे, वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एग्जाम फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन इस तरह से लिखा रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन जो लिखा है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक किए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको बता दें, यूजर नेम में आपको पीजी का रोल नंबर जो आपको कॉलेज से मिला है वही रोल नंबर आपको भरना है, और वही रोल नंबर पासवर्ड में भी देना है। मतलब आपको अगर रोल नंबर पीजी का नहीं मिला है तो आप अपने कॉलेज में जाकर वहां पे सर को बोलिए कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरना है, हमें जो है पीजी का रोल नंबर चाहिए, तो एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो वो आपको जो है रोल नंबर देंगे। फिर वही रोल नंबर आपको फर्स्ट में देना है और सेकेंड में यहाँ पे पासवर्ड में, दोनों में सेम रोल नंबर दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है। बाय द वे, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि रोल नंबर पीजी का कहाँ से मिलेगा, तो आपको अपने कॉलेज से मिलेगा, ठीक है। तो वही रोल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड में भी वही रोल नंबर, दोनों रोल नंबर सेम देना है और साइन इन करना है। चलिए ये डिटेल्स को हम भर के आपके सामने पेश करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर दर्ज कर दिए, वही यही रोल नंबर जो है यहाँ पे नीचे पासवर्ड में भी दर्ज कर दिए। उसके बाद यहाँ पे साइन इन पर जैसे ही क्लिक किए दोस्तों, इस तरह से देख सकते हैं ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेशन 2022-24 भी लिखा हुआ है। अब आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे एग्जाम फॉर्म इस तरह से लिखा रहेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों इस तरह से आपके सामने दिख जाएगा। यहाँ पे ये जो पेंसिल का आइकन है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे पांच स्टेप है, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे देख सकते हैं पांच स्टेप है जो कि आपको पांचों स्टेप को भरना है। तो कैसे भरना है बने रहे वीडियो पे, ध्यान पूर्वक देखें समझे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों पहला स्टेप स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेंट डिटेल्स जो ये लिखा है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं दोस्तों इस तरह से खुल जाएगा, जो कि पहले से जो डिटेल्स भरा रहेगा यहाँ पे आपका नाम रहेगा, लास्ट नाम रहेगा, फादर नेम रहेगा, मदर नेम रहेगा, जनरल मेल फीमेल जो भी होंगे वो यहाँ पे लिखा रहेगा, कैटेगरी कौन से है वो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा। थोड़ा सा जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है यहाँ पे एड्रेस वगैरह इस तरह से ब्लैंक रहेगा जो कि आपको भरना है। इस तरह से यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर था वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे दोस्तों सभी डिटेल्स को इस तरह से अच्छे से जानकारी के अनुसार भर दिए। आपको भी यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे भर लेना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर अभी वर्तमान में है और चल रहा है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे दोनों में दो मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। तो दोनों मोबाइल नंबर दे देना है दो टाइप के, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कौन सा देना है। जो विद्यार्थी मिथिला यूनिवर्सिटी से नहीं है, मतलब मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं किए हैं जो विद्यार्थी, उसको पीजी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा कॉलेज के माध्यम से, तो वो जो रजिस्ट्रेशन मिला होगा वही रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। जो मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं उनको जो है क्या करना है, यहाँ पे कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर देना है ये समझिए। जो मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं उसको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ मिलेगा ये हम आपके सामने शेयर करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों आपको ग्रेजुएशन का जो है ना, यहाँ पे ग्रेजुएशन का इस तरह का मार्कशीट आपको मिला होगा, वहां पे देख सकते हैं इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा ना, वही रजिस्ट्रेशन यानी कि यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहां पे फॉर्म में भरना है। तो यहाँ पर आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर है, यहाँ पे विकलांग है तो यस कराने था, यहाँ पे नो करें। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे अच्छे से भर लेना है। उसके बाद अगर दोनों एड्रेस आपका कोरेस्पोंडेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपली आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं।
तो मेरा जो भी एड्रेस है वो सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक किया, देख सकते हैं नीचे ऑटोमेटिक भर गया है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऊपर में जो भी जानकारी दिए हैं वो उसको अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको सेवन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली ऊपर जो भी जानकारी हम भरे हैं वो 100% करेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, पहला स्टेप ग्रीन टिक लग गया। अब दूसरा स्टेप में आ चुके हैं जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन का डिटेल्स पूछ रहा है। तो यहाँ की ग्रेजुएशन यानी कि कौन से कॉलेज से किए हैं, कौन से यूनिवर्सिटी से किए हैं, पास कब हुए थे, पासिंग ईयर आप यानी कि पासिंग स्टेटस यहाँ पे आपको अपेयरिंग है या पास हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको पास सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कौन से ईयर में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं वो ईयर भरना है। फिर यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑब्टेंड मार्क्स जो लिखा है ना, यहाँ पे आपको कितना नंबर ऑनर्स में आया है वो भरना है। टोटल यहाँ पे जो है 800 भरना है, यहाँ पे टोटल 800 भरना है। ये जो ऑब्टेंड मार्क्स है ये सभी डिटेल्स देखिए, यहाँ पे कॉलेज नेम, ये सभी डिटेल्स आपके अपने ग्रेजुएशन के मार्कशीट पर लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्टेंड मार्क क्या होता है ये हम आपके सामने पेश करते हैं। जब दोस्तों आपको इस तरह से ग्रेजुएशन का मार्कशीट मिला होगा, उसके बाद थोड़ा सा जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ओनर्स में यहाँ पे टोटल कितना है, ओनर्स में ये जो ऑब्टेंड मार्क लिखा है ना, ओनर्स में कितना है मेरा 465 है। तो हम क्या करेंगे, 465 ऑब्टेंड मार्क में भरेंगे। और ओनर्स में कितना का एग्जाम हुआ ओनर्स पेपर का, तो 800 का यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ओनर्स में यानी कि ऑब्टेंड मार्क में आपको 465 भरना है। यहाँ पे आपको 465 भरना है ये वाला खटाल में, यहाँ पे टोटल मार्क्स में आपको 800 भरना है। तो ऑटोमेटिक परसेंटेज दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है सब्जेक्ट टैकिंग, यानी कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। तो जैसा कि हम आपके सामने सबसे पहले मार्क्सशीट दिखा देते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑनर्स पेपर है एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिकल इंग्लिश और 50 का हिंदी, 50 का इंग्लिश। तो जो जो सब्जेक्ट यहाँ पे है वही सब्जेक्ट आपको वहां पे भरना है, वही सब्जेक्ट यहाँ पे जो है आपको, जैसे एंशियंट हिस्ट्री है उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री देके कोमा देना है, फिर पॉलिटिकल साइंस देके कोमा देना है, फिर आपका मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है वो लिख के कोमा कोमा देके, इस तरह से आपको जो भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में था वो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे दोस्तों हम सभी जानकारी को भर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे टोटल 800 भरे हैं, यहाँ पे जितना नंबर आया है वो हम भर दिए हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक परसेंटेज आ गया है। और यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से ऑनर्स पेपर यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं वो सभी सब्जेक्ट को कोमा कोमा देके लिख दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू का बटन है, सिंपली आपको सबमिट एंड कंटिन्यू वाला बटन पर क्लिक कर देना है। सभी जानकारी को अच्छे से जांच करने के उपरांत आपको सबमिट एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एकेडमिक डिटेल्स आप भरे हैं वो 100% करेक्ट है या नहीं। तो हम दोस्तों यहाँ पे मार्कशीट के अनुसार भरे हैं तो वो 100% करेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, ओके कर देंगे। जैसे ही दोस्तों ओके करेंगे तो अगला स्टेप यानी कि दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, तीसरा स्टेप में आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 100 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर भी 100 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपना फोटो सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे फोटो दिख जाएगा, उसी तरह से सिग्नेचर को भी कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं। जैसे दोस्तों हमने फोटो सिग्नेचर अपलोड किए इस तरह से देखने को मिल गया है, उसके बाद आपको सेव प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों इस तरह से देखिएगा, सेवन प्रोसीड वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 स्टेप में आ चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इस तरह से लिखा रहेगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपका ऑनर्स होगा यानी कि जो भी आप MMSC कर रहे होंगे तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पे अगर आप MSc कर रहे होंगे तो यहाँ पे MSc जो सब्जेक्ट से कर रहे होंगे वो सब्जेक्ट का नाम रहेगा और यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर लिखा होगा लास्ट में। तो आपको इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपका जो भी इसमें जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सेव जो बटन है वो सेव पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा, एक प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा जिसमें कि आपका फोटो जो भी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ पे इस तरह से प्रीव्यू
के रूप में दिखेगा, इसको आपको अच्छे से जांच कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे इतना तक तो जानकारी सही से जांच कर लिए। उसके बाद नीचे जब स्क्रॉल किए कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, आपका फोटो यहाँ पर आपको यहाँ पे सिग्नेचर दिखेगा और यहाँ पे दोस्तों इस तरह से दिखेगा। थोड़ा सा नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके इस तरह से सभी डिटेल्स यहाँ पर भी सिग्नेचर दिखेगा। उसके बाद कह रहा है कि जो भी जानकारी अभी हम ऊपर दिखाए हैं वो 100% करेक्ट है या नहीं, तो आपको एक बार अच्छे से ऊपर की सभी जानकारी को जांच करना है। जांच करने के उपरांत आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने का जो यहाँ पे आई कन्फर्म दे अब बने कि ऊपर जो जानकारी वो 100% करेक्ट है, हम कन्फर्म है, तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते कन्फर्म एंड सबमिट का बटन आएगा, तो सिंपली दोस्तों कन्फर्म एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट इस तरह से लिखा आ जाएगा। आपको अब पेमेंट करना है, तो पेमेंट कैसे करना है उसके लिए यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट टाइप में ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी प्रकार से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट मेथड आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट कटाने वाले हैं, तो डेबिट कार्ड यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हैं। कितना कटने वाला है वो यहाँ पे देखने को मिला है। थोड़ा सा जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी चार्ज कितना लगेगा, वो यहाँ पे आपके सामने है, आप खुद से भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे वाला बटन जो है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम प्रोसीड टू पे वाला बटन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने जो है एक लास्ट जो है डिटेल्स ओपन हो जाएगा कि आपका नाम ये है, ईमेल आईडी ये है, मोबाइल नंबर ये है और इतना रुपए कटेगा, इस तरह से दिखेगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देख सकते हैं पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन, इस तरह की पेमेंट करना है। उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए इस पर ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरह से ओपन होगा। आपको यहाँ पे जिस भी प्रकार से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी प्रकार से पेमेंट कटाना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी डेबिट कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे डिटेल्स आपको भर देना है। जैसा कि हम यहाँ पे भर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे भर चुके हैं, अब यहाँ पे पे नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह से दो ऑप्शन आएगा, तो आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना पे विथआउट सेविंग कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी बैंक से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होगा, फाइनली दोस्तों जिस जो भी डेबिट कार्ड का नंबर दिए थे उसमें जो बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ चुका है, तो उस ओटीपी को हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों इस तरह से दर्ज किए, उसके बाद वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल और कौन से नाम से पेमेंट कटा है और कितना कटा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा 4 सेकंड यहाँ पे वेट कीजिएगा, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे रिडायरेक्ट होगा यहाँ पे सक्सेस लिखा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपका कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे डैशबोर्ड वाला बटन है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉर्म प्रीव्यू वाला बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन है, सिंपली आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। प्रिंट करने के बाद इस तरह से आपके सामने जो फाइनली जो प्रिंट आउट रसीद है वो इस तरह से दिखेगा। आपको नीचे करना है, प्रिंट वाला बटन पर क्लिक करके आपको जो भी इसको प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद इसका जो है एक कॉपी आप अपने घर में रख लीजिएगा, एक कॉपी आप कॉलेज में जाकर जमा कर देना है, ठीक है। कॉलेज में जमा करने वक्त आपको एडमिशन रसीद ले लेना है, ठीक है। और ये जो प्रिंट कीजिएगा इसका एक कॉपी आप कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो 100% सक्सेसफुली एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने फर्स्ट टाइम आपके सामने लाइव इस वीडियो को शेयर किए हैं, तो आप लोग इस यह वीडियो कैसा लगा है लाइक करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद। और एक जानकारी दे देते हैं, अगर कोई छात्र छात्राएं को फॉर्म भरने में परेशानी हो रहा है तो आप हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और डायरेक्ट एडमिन को मैसेज कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग आके इसका लाभ उठा सकते हैं।